नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। यहाँ आपको देखने को मिलेगी सुबह से शाम तक की ताजा खबरें ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के रूप में। तो दोस्तों, उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलो दोस्तों, शुरू करते हैं आज के पहले मुख्य समाचार। गुजरात दंगों में नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट देने वाली SIT रिपोर्ट के खिलाफ याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की। तो दोस्तों, 2002 के गुजरात दंगों में तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट देने वाली SIT रिपोर्ट के खिलाफ याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। तो दोस्तों, यह याचिका जाकिया जाफरी ने दाखिल की थी। दोस्तों, 72 साल के एहसान जाफरी कांग्रेस नेता और सांसद थे। उन्हें उत्तरी अहमदाबाद में गुलबर्ग सोसाइटी के उनके घर से निकालकर गुसाई भीड़ ने मार डाला था। उनके पति जाकिया ने SIT की रिपोर्ट को चुनौती दी है, जिसमें तत्कालीन मुख्यमंत्री समेत टॉप ब्यूरोक्रेट्स को क्लीन चिट दे दी गई थी। तो दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने यह मामला जस्टिस AM खानविलकर, जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और जस्टिस CT रवि कुमार की बेंच ने सुना। तो दोस्तों, याचिकाकर्ता की ओर से सीनियर एडवोकेट कपिल सिंबल, SIT की ओर से सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी और गुजरात की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलीलें दी। तो दोस्तों, इसके बाद बेंच ने 9 दिसंबर 2021 को फैसला सुरक्षित लिया था। इसी के साथ दोस्तों, चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। 56 लाख के कमरे, 56 लाख ही खाने पर खर्च। रेडिसन ब्लू होटल में शिवसेना के बागी विधायकों की मौज। तो दोस्तों, महाराष्ट्र के बागी विधायक इस वक्त असम में रुके हुए हैं। तो दोस्तों, यहाँ उनका ठिकाना गुवाहाटी का रेडिसन ब्लू होटल है। इस बड़े होटल में रुकने के लिए ये बागी विधायक कुल कितना रुपया खर्च कर रहे हैं, इसको लेकर चौंकाने वाला आंकड़ा सामने आया है। पता चला है कि फिलहाल कमरे 7 दिन के लिए बुक किए गए, जिन पर कुल खर्च 1.12 करोड़ रुपए के करीब है। तो दोस्तों, जानकारी के अनुसार आपको बताएं तो एकनाथ शिंदे और बाकी बागी विधायकों के लिए गुवाहाटी में रेडियंस ब्लू होटल में कुल 70 कमरे बुक किए गए। ये कमरे कुल 7 दिन के लिए बुक हुए हैं। इस बुकिंग के लिए कुल 56 लाख रुपए खर्च किए गए हैं। तो दोस्तों, इसके अलावा खाने और बाकी सर्विसों पर रोज के 8 लाख रुपए खर्च हो रहे हैं। 7 दिन के हिसाब से यह भी 56 लाख रुपए बैठता है। तो दोस्तों, इस तरह की बुकिंग और खाने पीने का खर्च मिलाकर खर्च की राशि 1.12 करोड़ बैठती है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि शिवसेना के मुंबई महानगर पालिका के पार्षदों में भी भगदड़ की आशंका है। नगर पार्षद शिंदे गुट का दामन थाम सकते हैं। उन्हें रोकने के लिए शिवसेना ने शिव भवन में इमरजेंसी बैठक बुलाई है। इसी के साथ दोस्तों, चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। द्रौपदी मुर्मू का राष्ट्रपति बनना लगभग तय। जगन मोहन रेड्डी और पटनायक के समर्थन में बिगाड़ा विपक्ष का खेल। तो दोस्तों, राष्ट्रपति चुनाव के लिए NDA की तरफ से द्रौपदी मुर्मू को उम्मीदवार घोषित किया गया है, जिसके बाद मुर्मू अपना नामांकन भी दाखिल करने जा रही है। तो दोस्तों, भले ही इस चुनाव के लिए विपक्ष ने यशवंत सिन्हा को अपना उम्मीदवार बनाया हो, लेकिन अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो द्रौपदी मुर्मू का राष्ट्रपति बनना लगभग तय नजर आ रहा है। यही वजह है कि BJP और पूरा NDA मुर्मू की जीत को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त दिख रहा है। तो दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें कि राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोट वैल्यू के आंकड़ों के हिसाब से देखा जाए तो NDA का पलड़ा भारी है। राष्ट्रपति चुनाव में लोकसभा 540 और राज्यसभा के 229 सांसदों के अलावा राज्यों की विधानसभा के कुल 4033 विधायक वोटिंग करते हैं। चुनाव के दौरान इन सभी जनप्रतिनिधियों के वोटों का वैल्यू निकाला जाता है। कुल वोटों का वैल्यू 10,78,915 है। तो दोस्तों, जबकि किसी भी उम्मीदवार को बहुमत के लिए 5,39,438 चाहिए। तो दोस्तों, इसका सीधा मतलब है कि द्रौपदी मुर्मू आसानी से राष्ट्रपति की कुर्सी तक पहुँच जाएगी। इसी के साथ दोस्तों, चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। भारत में वैक्सीन ने 42 लाख लोगों की जान बचाई। लेसेंट का बड़ा दावा। WHO ने कहा था 2 साल में 47 लाख मौतें हुई। तो दोस्तों, भारत में कोरोना से हुई मौतों को लेकर मेडिकल जर्नल द लेसेंट ने बड़ा दावा किया है। तो दोस्तों, लेसेंट इन्फेक्शियस डिजीज जर्नल में प्रकाशित एक स्टडी के मुताबिक साल 2021 में कोविड वैक्सीन देश में 42 लाख से अधिक मौतें रोकने में सफल रही। तो दोस्तों, यह स्टडी 8 दिसंबर 2020 से 8 दिसंबर 2021 तक के देश में अतिरिक्त मृत्यु दर के अनुमानों पर आधारित है। WHO ने जनवरी 2020 से दिसंबर 2021 के बीच देश में 47 लाख मौतों का अनुमान जताया था। तो दोस्तों, वैक्सीन की वजह से दुनिया भर में 2 करोड़ से अधिक लोगों की जान बची है। रिसर्च ने पाया है कि वैक्सीनेशन के पहले साल में दुनिया भर में 3.14 करोड़ संभावित मौतों को रोका गया। यह अनुमान 185 देशों में हुआ है। तो दोस्तों, WHO के यह
आंकड़े उस समय तक दुनिया भर की मौतों का एक तिहाई थे और ऑफिशियल आंकड़ों की तुलना में 10 गुना अधिक थे। तो दोस्तों इन आंकड़ों का केंद्र सरकार ने खंडन कर दिया है। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। सेंसेक्स 525 पॉइंट की बढ़त के साथ 52,790 पर, निफ्टी 15,720 के पार, बैंक के शेयर्स में तेजी। तो दोस्तों सेंसेक्स 526.66 अंक या 1.01% बढ़कर 52,792.38 पर है और निफ्टी 163.50 अंक या 1.05% ऊपर 15,720.20 पर कारोबार कर रहा है। तो दोस्तों निफ्टी में इंडस बैंक, ONGC, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, ICICI बैंक और अपोलो हॉस्पिटल के शेयर 1-3% की तेजी के साथ कारोबार कर रहे हैं। तो दोस्तों बैंक और फाइनेंशियल शेयरों से बाजार को अच्छा बूस्ट मिला है। निफ्टी पर दोनों इंडेक्स 1.5% के करीब मजबूत हुए। ऑटो मेटल और FMCG इंडेक्स भी करीब 1% मजबूत हुए हैं। तो दोस्तों IT, फार्मा और रियल्टी समेत दूसरे प्रमुख इंडेक्स भी हरे निशान में है। तो दोस्तों आज सेंसेक्स 388 पॉइंट की बढ़त के साथ 52,654 पर और निफ्टी 100 की बढ़त के साथ 15,657 पर खुला था। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में विराट कोहली को सिर्फ अपने खेल पर करना चाहिए फोकस। तो दोस्तों भारतीय टीम इंग्लैंड के खिलाफ 1 जुलाई से सीरीज का 5वां टेस्ट खेलेगी। भारतीय टीम पिछले साल इंग्लैंड के दौरे पर गई थी जहां 5 टेस्ट मैच खेलना थे, लेकिन कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के कारण महज 4 मैच खेले जा सके। अब सीरीज का 5वां मैच 1 जुलाई से 5 जुलाई के बीच खेला जाएगा। तो दोस्तों पिछले साल विराट कोहली भारतीय टीम के कप्तान थे, लेकिन इस बार रोहित शर्मा भारतीय टीम की अगुवाई करेंगे। बहरहाल भारतीय टीम इस सीरीज में 2-1 से आगे है। तो दोस्तों विराट कोहली के बचपन के कोच राजकुमार शर्मा ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि पूर्व भारतीय कप्तान को जो रूट के साथ आमने सामने होने के लिए तैयार रहना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा है कि बाकी चीजों को दरकिनार कर विराट कोहली को बस अपने खेल पर फोकस करना चाहिए। तो दोस्तों राजकुमार शर्मा ने यह भी कहा है कि जो रूट और विराट कोहली दोनों शानदार प्लेयर है, दोनों खिलाड़ियों के बीच हेल्दी कॉम्पिटिशन देखने को मिलेगा। राजकुमार का मानना है कि विराट कोहली और जो रूट के बीच यह कॉम्पिटिशन बस मैदान पर देखने को मिलेगा, ऑफ द फील्ड दोनों अच्छे दोस्त हैं। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। पाकिस्तान को करारा झटका, जम्मू कश्मीर में होगा G20 का सम्मेलन। तो दोस्तों कश्मीर मुद्दे पर भारत को बड़ी सफलता हाथ लगी है। कश्मीर मुद्दे पर भारत सरकार पाकिस्तान को एक करारा झटका देने जा रही है। तो दोस्तों दुनिया के प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के प्रभावशाली समूह G20 की बैठक 2023 में जम्मू कश्मीर में होगी। तो दोस्तों इस बैठक में चीन, कनाडा, अमेरिका, जर्मनी, तुर्की समेत 20 देश हिस्सा लेंगे और इस सम्मेलन के जरिए कश्मीर पर पाकिस्तान दावे को खारिज करने के रूप में देखा जा रहा है। तो दोस्तों इसके साथ ही इस सम्मेलन के जरिए दुनिया भर में संदेश जाएगा कि यहाँ का आम नागरिक पूरी तरह से भारतीय लोकतंत्र पर भरोसा रखता है। तो दोस्तों आपको बता दें कि 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर प्राप्त विशेष की समाप्ति और इसे 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित किए जाने पर केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में आयोजित होने वाला यह पहला बड़ा अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन होगा। पिछले साल सितंबर में केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल को G20 के लिए भारत का दूत नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों इसके अलावा केंद्रीय शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में G20 बैठक की व्यवस्था के समन्वय के लिए सरकार के प्रधान सचिव को केंद्र शासित प्रदेश के नोडल अधिकारी के रूप नामित किया गया है। मतलब यह है कि भारत 1999 में G20 की स्थापना के बाद से ही इस संगठन का सदस्य है। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। दिल्ली में बदलेगा मौसम का मिजाज, कई राज्यों में बारिश की आशंका, कश्मीर में बर्फबारी से भूस्खलन। तो दोस्तों पूरे उत्तर भारत में मौसम में तब्दील जारी है। भारतीय मौसम विभाग ने अपने ताजा अपडेट में कहा है कि आज से फिर एक बार दिल्ली का तापमान बढ़ेगा और गर्मी बढ़ने की संभावना है। तो दोस्तों IMD के मुताबिक दिल्ली में अधिकतम तापमान 39 डिग्री और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री के आसपास रह सकता है। इसी के साथ दोस्तों केवल दिल्ली ही नहीं बल्कि आसपास के राज्यों में भी मौसम का यही हाल रहने वाला है। मौसम विभाग ने पंजाब, हरियाणा, MP, UP, बिहार, झारखंड में भी अच्छी खासी बारिश होने की आशंका को व्यक्त किया है, जबकि महाराष्ट्र में मानसून अपने पूरे शबाब पर है। आज मुंबई, राजस्थान, MP, छत्तीसगढ़, UP, बिहार, पंजाब और हरियाणा में आज जोरदार बारिश के आसार है। मौसम विभाग ने आज कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में भारी बारिश की आशंका व्यक्त की है। तो वहीं दोस्तों कश्मीर में पिछले 2-3 दिनों से हुई
हुई बर्फबारी और भूस्खलन के कारण जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे समेत कई सड़क मार्ग बाधित किए गए हैं। इसी के साथ दोस्तों पूर्वोत्तर भारत के बाकी हिस्सों, आंतरिक ओडिशा, केरल, आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु के कुछ हिस्सों, तो वहीं पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिम और मध्य उत्तर प्रदेश के अधिकांश हिस्सों, राजस्थान और मध्य प्रदेश में भी बारिश हो सकती है। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। टाटा ने एयर इंडिया कर्मचारियों को दी एक और सौगात, ऑफर सुनकर ही लोग हो गए दीवाने। तो दोस्तों एयर इंडिया की तरफ से पिछले दिनों कर्मचारियों के लिए ग्रुप इंश्योरेंस की सुविधा शुरू कर दी गई है। इसके बाद अब टाटा ग्रुप ने एयरलाइंस के पायलट को बम्पर ऑफर दिया है। तो दोस्तों जब से टाटा ने एयर इंडिया का अधिग्रहण किया है, तब से कई ऐसे ऐलान किए गए हैं जो कर्मचारियों के हित में है। तो दोस्तों अब एयर इंडिया ने पायलटों को रिटायरमेंट के बाद फिर से 5 साल के लिए नौकरी पर रखने की पेशकश की है। तो दोस्तों टाटा ग्रुप के एयरलाइन के ऑपरेशन में स्थिरता के मकसद से यह पहल की गई है। अभी कंपनी के 300 विमानों के टेक ओवर को लेकर बातचीत चल रही है। ऐसे में पायलटों को रिटायरमेंट के बाद भी काम किए जाने की पेशकश काफी महत्वपूर्ण है। एयरलाइन की तरफ से रिटायर होने वाले पायलट को कमांडर के रूप में फिर से नियुक्त करने पर विचार किया जा रहा है। तो दोस्तों एयर इंडिया में पायलटों की रिटायरमेंट उम्र 58 साल है। पिछले दिनों एयरलाइन ने अपने पायलटों को कॉन्ट्रैक्ट पर रखा था, लेकिन मार्च 2020 के बाद इसे कोविड महामारी आने पर बंद कर दिया गया है। तो दोस्तों यह थे आज के मुख्य समाचार। हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है। धन्यवाद। जय हिंद।